मध्य प्रदेश के विदिशा में लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मत्स्य विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ आरोपी संतोष कुमार दुबे को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल अगस्त 2022 का एक आदेश था जिसमें हितग्राही को लगभग 1,80,000 रूपये का भुगतान हितग्राही को करना था। बजट आने के बाद राशि हितग्राही के खाते में जमा की गई थी, लेकिन उस राशि में 50,000 की राशि सहायक संचालक को देने का तय किया गया। लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षक नीलम पटवा ने बताया कि लोकायुक्त एसपी के निर्देश पर फरियादी हरिराम रैकवार की शिकायत की पुष्टि के बाद सहायक संचालक संतोष कुमार दुबे को विदिशा में 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 1,80,000 लोडिंग ऑटो ली थी, सब्सिडी प्रधानमंत्री योजना से आई थी, 1,80,000, जिसमें 50,000 साहब ने रिश्वत ली थी। कौन से विभाग? दुबे जी है, मछली विभाग के। पूरा नाम क्या है? जय मालूम है दुबे जी। फिर क्या हुआ? फिर अभी पैसे नहीं दिए थे तो इन्हें रुकवा दिया था। फिर अभी एक दिन आए थे तो कुछ 10% 20% की बात भाई थी तो इन्हें नहीं दी। इन्हें पूरे 50 चाहिए तो 50 अभी ला के दिए इन्हें। अच्छा, आज पूरे 50,000 दिए। फिर किस जगह पे लोकायुक्त को उन्होंने मतलब लोकायुक्त ने दरोगा पूछा? हम भोपाल गए थे शिकायत करने। फिर यहाँ पे कब दिए आपने पैसे? अभी 10 मिनट पहले यहीं दिए। इधर दिए इधर, यहाँ से ऐसे लुवा के जो गली गली में से घुमा के ले गए। गाड़ी में दिए थे? हाँ, गाड़ी में उनने की थी, उस पर रख दो, रख दिए। हमने हाथ में नहीं लिए? हाथ में नहीं, गाड़ी पे रखवाए। हाँ, वो पानी वगैरह 500 के नोट है सभी, 500। मैं निरीक्षक नीलम पटवा, भोपाल लोकायुक्त में पदस्थ हूँ। 23 फरवरी को फरियादी हमारे कार्यालय आया था, हरिराम रैकवार नाम है उसका। उसकी शिकायत ये थी कि वो मछली पालन का कार्य करता है। प्रधानमंत्री की योजना है मत्स्य पालन के लिए आवागमन के लिए जो सब्सिडी मिलती है वो मत्स्य उद्योग मत्स्य विभाग के अधिकारी उसको स्वीकृत करते हैं। तो इनके खाते में 1,80,000, इनकी पत्नी का खाता है, पत्नी के खाते में 1,80,000 रुपये आना था, जो कि अभी पिछले एक हफ्ते पहले आया। तो हमने जो उन्होंने आवेदन दिया उसके हमने सत्यापन की कार्रवाई कराई। सत्यापन की कार्रवाई में उनका डिमांड क्लियर पाई गई, तो उस पर हमने आज एसपी साहब के निर्देशानुसार आज हमने रंगे हाथों 50,000 रुपये लेते हुए इन्हें पकड़ा।